आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट में अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ही नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर बाहर आए हैं और उन्हें फिर जेल जाना है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल के घर में आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, गिरफ्तारी करें और इस घटना के दोषी केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को वह साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कैसे शुचिता की बात करके और गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, 2 जून को फिर जेल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। इस पर उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और इस मामले में जांच करके पुलिस अगर वह दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए।